Yeah. स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू चैप्टर टेन फिजिक्स का ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सात से आठ नंबर के क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से ही आपको मिल जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं सारे एम सी क्यू मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं सिर्फ लाइट के रह गए थे यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं लेकिन जो भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं ये सभी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ अ प्लेन मिरर इज रोटेट थ्रू सर्टेन एंगल अगर हम किसी प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं एक सर्टेन एंगल में द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एज द साइज ऑफ द इमेज तो जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो हो is double, is half, infinite, क्या होगा इज डबल इज हाफ बिकम इनफाइनाइट रिमेंस सेम क्या इंपैक्ट आएगा साइज ऑफ द इमेज पे ऑप्शन ए बी सी या डी ये क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही जानते थे सो ओके सो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स सेम ओके जो साइज ऑफ द इमेज है वो सेम रहेगा सो डी इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के सिमेट्री में प्लेस करते हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सेवेंटी टू डिग्री जो रखा हुआ है इनक्लाइन किया गया हुआ है कितने एंगल पे सेवेंटी टू डिग्री पे देन टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितनी टोटल इमेज फॉर्म होंगी अगर दो प्लेन मिरर हैं तो और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस है इंक्लाइन किया गया है सेवेंटी टू डिग्री पे फाइव फोर टू या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड आपको बतानी है आपको जल्दी से कमेंट में आंसर करना है सो so, यहाँ पे इमेज कितनी बनेगी फोर इमेज बनेगी ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो फिनोमिना हमने इसमें पढ़ा है चैप्टर टेन में एक है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज वन इज रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस uh, पे तो वो अपना बाउंस बैक होती है अपने पाथ से आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है जहां पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड में चेंज आता है वो होता है रिफ्रैक्शन ओके सो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिफ्लेक्शन को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़े हैं द रिफ्लेक्शन लाइट इज लेस ब्राइट देन इंसिडेंट

फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि एंगल एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन ठीक है I r होता है होता अगर आपको किसी क्वेश्चन में वो आई दे देता है तो आप बता सकते हो आई की वैल्यू आपको थर्टी डिग्री देता है तो आप बता सकते हो कि आर शुड बी ऑल्सो थर्टी डिग्री ठीक है दोनों एंगल बराबर होते हैं आगे चलते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज किसी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है जीरो डिग्री इनफाइनाइट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर माइनस ट्वेंटी फाइव सो इसका आंसर आपको देना है किसी भी प्लेन मिरर की यहां पे बात कर रहा है सो so, इसके लिए आपका आंसर होगा फोर्थ के लिए बी इन फाइनाइट किसी भी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है इन फाइनाइट होती है हो, और ये क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे बेशक पूछा जा सकता है और कई बच्चों को प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मिला भी था आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में द इमेज shows the द पाथ incident ऑफ इंसिडेंट रे टू अ कॉन्केव आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है यहाँ पे शो हो रहा है पाथवे इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर है यहाँ पे दिस इज फोकल लैंड दिस इज सेंटर ऑफ करवेचर यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनके सारे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है ठीक है इस तरीके से लाइट आ रही है और अब इसको लेके आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर आ इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस कहाँ पे मीट करेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रे सो बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एन ओ बिटवीन सी एंड एफ बी ऑन्ड सी अब आप इस चीज़ को दोबारा से देख सकते हो एक बार ऑब्जेक्ट जो है आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो सी के पीछे रखा हुआ है बिहाइंड द सी रखा हुआ है और यहाँ से जब लाइट फॉल हो रही है और दूसरा आपको ये वाला लाइट का पाथवे बताया हुआ है अब जब इमेज फॉर्म होगा इसने ऑब्जेक्ट का वाला रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है अब इसके लिए आपको जो नीचे वाला रे डायग्राम है इमेज के लिए वो आपको टेबल याद होनी चाहिए ठीक है अगर बिहाइंडचर uh, है तो कहां इमेज फॉर्मेशन होता है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर आपको पता है तो आप मुझे बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर होगा सी बिटवीन सी एंड एफ ठीक है बिटवीन सी एंड एफ यानी कि यहां पर पे पे बीच में करेक्टर दिस क्वेश्चन बिटवीन सी एंड एफ इसलिए मैंने आपको बोला टेबल जरूर याद करिए रे डायग्राम जरूर याद करिए वहां से किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछता है अम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन दिस द इंसिडेंट बीम इज यहां पे बोल रहा है बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर प्लेन मिरर पे है रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन इंसिडेंट बीम कैसी होगी पार्लल होगी कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी नॉन नॉट सर्टेन पता नहीं सकते तो क्या होगा इसका आंसर सो बी इज द करेक्ट आंसर दैट मीट कन्वर्जेंट ठीक है कन्वर्जेंट बी इज द करेक्ट आंसर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, द फोकल एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर द इमेज प्रोड्यूस इज अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड यू आपको दे रखा है फोर्टी सेंटीमीटर फोकल लेंथ शुड बी ट्वेंटी सेंटीमीटर मिरर कौन सा है आपके पास कॉनकेव मिरर है ये वाला मिरर है जहाँ पे आपने सिक्स इमेजेस पढ़ी हैं और आपसे पूछ रहा है कि इमेज जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको एफ दे रखा है फोकल लेंथ दैट शुड बी ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फोर्टी सेंटीमीटर कैसा होगा वर्चुअल इन्वर्टेड होगा रियल इन इरेक्ट होगा रियल इन्वर्टेड एंड अपोजिट साइज ऑफ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ दैट सब्जेक्ट आपने जो नेचर ऑफ द इमेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है सो so इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रियल इनवर्टेड एंड द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है तो इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड केवल जो लास्ट का केस होता है ना जहाँ पे पोल और फोकस के बीच में रखते हैं वहां पे हमारा बनता है इरेक्ट इमेज तो यहाँ पे कैसी होगी रियल एंड इनवर्टेड क्वेश्चन नंबर एट है ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट से क्वेश्चन आ गया है अ स्टूडेंट कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ही प्लेसेस ऑब्जेक्ट एज अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस तो यहाँ पे जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर ओके एंड ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर v आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस अब देखिए आपको u और v दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है पावर पूछ रहा है मैंने आपको बताया है कि पावर क्या होता है पावर ऑफ लेंस इक्वल टू वन बाय फोकल लेंथ लेकिन यहां पे आपको पावर निकालने के लिए क्या चाहिए भाई फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ उसने आपको डायरेक्ट नहीं दिया है बल्कि यू और वी दे दिया है अब आपको मेरा लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वन बाय वी माइनस वन बाय वन बाय यू माइनस वन बाय वी ठीक है इक्वल टू वन बाय एफ ठीक है मिरर और लेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ से फॉर्मूले से पुट करके आपको मिल जाएगा फोकल लेंथ फोकल लेंथ मिलेगी तो पावर निकाल लोगे तो इसके लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आ जाएगा वन बाय एफ़ ठीक है साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है कहाँ पे किस चीज़ को प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट सॉल्व करके बता रही हूँ इस तरीके से जब आप फोकल लेंथ निकालोगे वन बाय थर्टी प्लस वन बाय सिक्सटी तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा थ्री बाय सिक्सटी ओके इस तरीके से आएगा ना वन बाय थर्टी प्लस वन बाय सिक्सटी इक्वल्स टू टू प्लस वन बाय सिक्सटी दैट मीन थ्री बाय सिक्सटी सो ये क्या हो जाएगा वन बाय ट्वेंटी दैट मीन वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय ट्वेंटी है तो हम इसको पलट के लिखेंगे सो एफ़ इक्वल टू कितना हो गया ट्वेंटी हो गया सो एफ़ इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर और अगर आपको एफ़ मिल गया तो पावर आप निकाल सकते हो वन बाय ट्वेंटी क्योंकि ये क्या होता है किसके बराबर होता है वन बाय एफ के बराबर होता है सो so, यहाँ पे आपको इजिली आपका जो डैप्टर में है वो निकल जाएगा वो कितना आएगा फाइव आएगा सो so, आपका सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट फाइव डायप्टर आपका आंसर आएगा और डायप्टर किसकी यूनिट होती है पावर की यूनिट होती है देखिए यहाँ पे आपको यू वी की फॉर्म में दे रखा है हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ दे दे और पावर निकालने को बोल दे क्योंकि ये दो लाइन का कैलकुलेशन होगा तो जरूर दे, दे देंगे एग्जाम में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूज ऑन आर स्क्रीन विच इज अबाउट थर्टी सिक्स सेंटीमीटर एक इमेज बन रही है वो हमारी छत्तीस सेंटीमीटर की बन रही है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके द इमेज प्रोड्यूज इज अबाउट थ्री टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोल रहा है जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो तीन गुना हो रहा है तीन गुना हो रहा है दैट मीन ये क्या बता रहा है मैग्नीफिकेशन बता रहा है ओके okay. जो असली का ऑब्जेक्ट है उससे तीन गुना इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसे सिंपल हो नहीं सकता आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना छत्तीस सेंटीमीटर की अगर इमेज बन रही है तो तीन गुना बन रही है थ्री टाइम्स थर्टी सिक्स इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ समथिंग ठीक है थ्री टाइम ऑफ समथिंग तीन गुना तो छत्तीस किसका तीन गुना होता है आप ऐसे ही निकाल सकते हो बहुत ही ईजी है ट्वेल्व का बारह चौबीस छत्तीस ट्वेल्व को अगर आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है थर्टी सिक्स बनता है तो जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज कितना होगा ट्वेल्व सेंटीमीटर होगा और थ्री टाइम मैग्निफिकेशन है दैट मीन इसलिए थर्टी सिक्स मिल रहा है तो ए इज द करेक्ट आंसर इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जो हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उससे इमेज कैसा बनता है वर्चुअल रियल इन लार्ज या इन्वर्टेड सो so, आपको बताना है किसकी बात कर रहा है कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर की बात कर रहा है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर वर्चुअल स्टूडेंट स्टडीज दैट अ कॉन्वेक्स लेंस अ वर्चुअल इमेज एक बच्चे ने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन वट कॉज द कॉन्वेक्स मिररर टू ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज सो क्या रीजन है बिकॉज द रिफ्लैक्टिड रे नैवर इंटरसेक्ट बिकॉज द रिफ्लैक्टिड रे कन्वर्स एट अंगल पॉइंट बिकॉज द इंसीडेंट रे ट्रेस इट्स पाथ

Rahul conduct an experiment using object of 10 cm and concave lens with focal length 20 cm height of the object is 10 cm focal length should be 20 cm the object is placed at a distance object distance should be 25 cm from the lens can the image be formed on a screen क्या इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगी या नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन तो यहां पे आपको ऑप्शन बताना है यस फॉर्म होगी यस फॉर्म होगी नो फॉर्म होगी नहीं फॉर्म होगी और उसके पीछे रीजन भी बताना है फटाफट से आप इसके लिए सही कोड बताएंगे क्या आंसर होगा सो ट्वेल्थ के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नो एज द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल ठीक है स्क्रीन पे नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी वर्चुअल आभार सी इमेज होती है ठीक है सो बिहाइंड द द मिरर बिहाइंड लेंस सो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा अगला है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस रियर व्यू मिरर फिटेड इन वहीकल सो मैग्निफिकेशन कैसा प्रोड्यूस होता है जो रियर व्यू के लिए करते हैं वहीकल्स में लेस देन वन मोर देन वन इक्वल टू वन कैन बी मोर देन और लेस देन डिपेंडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सो करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर वी द करेक्ट आंसर ए बी और सी डी सो थर्टीन के लिए कहां पर फॉर्म करता है द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ टिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिर हाफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिररर बिहाइंड मिररर डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैंड डेफिनेटली बी सीन यूजिंग फुल लेंथ आप किसी इमेज का कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है टॉल बिल्डिंग है इसका आप पूरी की पूरी इमेज देख सकते हो कैसे कॉन्वेक्स मिररर से ठीक है यह बिल्डिंग है आपके पास स्टॉल बिल्डिंग है या फिर बोथ कॉन्केव एज एज कॉन्वेक्स सो फिफ्टीन के लिए आपका क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर कॉन्वेक्स मिररर इफ यू वॉन्ट टू सी अ कंप्लीट बिल्डिंग इमेज सो कॉन्वेक्स मिररर इज द करेक्ट आंसर बी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट conduct an activity using flask of height 15 cm and a concave mirror he find that the image formed is 45 cm in height वट इज़ द मैग्नीफ़न ऑफ द इमेज अको अगेन आपका मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन आ गया है बहुत सिंपल है यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी यूजिंग हाइट हाइट यहाँ पे दे रखी है 15 सेंटीमीटर ही फाइंड इमेज कितनी बन रही है 45 सेंटीमीटर की मैग्फिकेशन बोल रहा है मैगनीफिकेशन कितने टाइम्स होगा कितने गुना वो कितने टाइम्स बड़ा या छोटा नजर आ रहा है तो भाई पंद्रह और पैंतालीस का अगर आप रेशियो देखोगे तो क्या आएगा बहुत ही ईजिल है बच्चे भी कैलकुलेट कर लेंगे है ना कितना आएगा थ्री टाइम्स आएगा सो डी इज द करेक्ट आंसर थ्री टाइम्स ठीक है फोर्टी फाइव इज थ्री टाइम्स ऑफ फिफ्टीन ना सो डी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट अगर कोई पॉइंट सोर्स हमारे पास या ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स है तो जो लाइट निकलेगी ठीक है हमारे पास कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो लाइट जो निकलेगी वो कैसी हो कैसी होगी तो उसका लाइट का नेचर बताया है कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर ठीक है लाइट जो होगी वो पैलल होगी अगर पॉइंट साइज इमेज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो पैरल होगी ठीक है चाहे यहाँ पे हम कॉन्केव रख रखें आपसे पूछ रहे हैं कौन सा मिरर होगा कॉन्केव होगा कॉन्वेक्स होगा ठीक है या फिर बोल रहा है टू प्लेन मिरर होंगे नाइन्टी डिग्री पे या कॉनकेव एज वेल एज़ कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव मिरर एज वेल कॉन्केव मिरर सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सेवनटीन के लिए इसके लिए होगा ए आपका कोई भी पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है ठीक है पॉइंट सोर्स है और वो पैलर लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो यहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो पैल लाइट ही आएगी ए इज द करेक्ट आंसर अ स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट एयर इज थ्री लैक मीटर किलोमीटर पर सेकेंड ओके वेअर दैट स्पीड इन ग्लास ग्लास स्लैब पे स्पीड इतनी दे रखी है और वैक्यूम या नेचुरल स्पीड ऑफ लाइट इतनी है व्हाट कॉज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया दो मीडियम है यहाँ पे दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिफर है इसके पीछे क्या रीजन है कारण है डिफरेंस इन डेंसिटी डिफरेंस इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ लाइट डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो कारण से जो लाइट की स्पीड है किसी दो मीडियम में डिफर आती है या हम कह सकते हैं एयर में अलग आती है किसी ग्लास ऑब्जेक्ट में या किसी अदर सब्सटेंस में अलग आती है तो उसके पीछे क्या रीजन है ऑप्शन ए इज द रीजन बिकॉज डिफरेंस इन डेंसिटी अगर आप देखोगे एयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो वो कम डेंस होंगे लेकिन अगर आप कोई ग्लास लैब लेते हो कोई अदर मीडियम लेते हो वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे ज़्यादा डेंसिटी होगी तो डेंसिटीज इतनी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी ठीक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द डाइग्राम शो करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू यहाँ पे कुछ पाथ शो किए हुए हैं रे डायग्राम के यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है आपके पास एक लेंस प्लेस है यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो रही है एक दिखाया हुआ है किस तरीके से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर तक स्ट्रेट पैल आती है उसके बाद इस तरीके से पाथ जाता है यहाँ से जाती है और ऑप्टिकल सेंटर से और एक दिखाया हुआ है इस तरीके से जाके इस तरीके से तो कौन सा पाथवे यहाँ पे करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है पूछ रहा है है फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सो कौन सा पाथ यहां पे सही है identify है ये आपको करके आंसर बताना अगर हम देखेंगे तो बट जो ये वाला डायग्राम है ये पॉसिबल नहीं है सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सी इज द करेक्ट आंसर ओके फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन टॉर्चेज सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ वहीकल द बल्ब इज़ प्लेस्ड जो हमारे टॉर्च होते हैं टॉर्च के आगे जो लाइट यूज़ की जाती है गाड़ी के आगे जो हैडलाइट्स होती हैं वहाँ पे जो यूज़ की जाती हैं वहीकल बल्ब यहाँ जितनी भी लाइट्स यूज़ की जाती हैं उसके बारे में पूछ रहा है बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है वेरी रियर टू फोर्स ऑफ द रिफ्लेक्टर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ़ द रिफ्लेक्टर सो क्या होता है और यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है इन सभी में ठीक है कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है यूजिस ऑफ मिररर में मैं आपको पढ़ाया है तो वो भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं सो so, 20 के लिए बीज द करेक्ट आंसर वेरी नियर टू फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर ठीक है मिरर कौन सा होता है कॉनकेव होता है कॉनकेव मिरर में ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन कॉनकेव मिरर की होती हैं जब आपसे पूछता है कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स कौन सा होता है जो वहीकल ड्राइवर है वो रियर व्यू के लिए जो यूज़ करता है गाड़ी जो चला रहा है उसके सामने यहाँ पे एक मिरर होता है जिसमें वो पीछे का ट्रैफिक देखता है तो उसे सीधी गाड़ियां नजर आए और पूरी नजर आए इसके लिए वहां पे कॉन्वेक्स यूज होता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे यू आर गिवन वॉटर मस्टर्ड ऑयल ग्लिसरीन एंड कैरोसिन ऑयल इन विच ऑफ दिज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्डिक एट द सेम एंगल बिटवीन बैंड द मोस्ट कहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा बैंड होगी आपको कुछ सैंपल्स दे रखे हैं कैरोसिन दे रखा है वॉटर दे रखा है मस्टर्ड ऑयल दे रखा है ग्लिसरीन दे रखा है ठीक है आपको एक रीजन पहले ही मैंने बता दिया जो जितना ज्यादा डेंस होगा ठीक है डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और उतनी बैंडिंग भी उसी बात पे डिफर उसी पे हम बोल सकते हैं डिपेंड करता है सो so, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इन चारों में डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी सो so, इसका आंसर क्या होगा डी ग्लिसरीन को आप देखोगे ना वो ऐसे बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा डेंस होता है डी इज द करेक्ट आंसर अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर एक बच्चा है वो मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर उसने देखा कि उसका सर बड़ा नज़र आ रहा है द मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ द सेम साइज मिडल बॉडी सेम साइज का नजर आ रहा है एंड साइज ऑफ़ दैट द लेग स्मॉलर पैर उसके कैसे नजर आ रहे हैं छोटे नज़र आ रहे हैं सर बड़ा नजर आ रहा है पैर जितने साइज में उसके छोटे और बीच का बॉडी का पार्ट जितना है उतना नजर आ रहा है दिस फॉलोइंग ऑर्डर टू कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे कुछ मिरर के कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं वो कॉम्बिनेशन क्या है आपको बताने हैं जिसकी वजह से यह मैजिक मिरर बना है प्लेन कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन कॉन्केव प्लेन कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स प्लेन एंड कॉन्केव सीक्वेंस आपको बताना है ठीक है मिरर फ्रॉम द टॉप टॉप से बॉटम की तरफ कौन कौन से मिरर यूज किए गए हैं सो सी इज द करेक्ट आंसर ओके ऊपर कॉनकेव है देन प्लेन मिरर है क्योंकि सेम साइज नजर आ रहा है उसके बाद कॉन्वेक्स है सो ट्वेंटी टू सी इज द करेक्ट आंसर लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन लाइट सबसे तेज फास्ट किसमें करेगी वाटर एयर ग्लास या डायमंड सो अगेन आपको डेंसिटी का ध्यान रखना है अगर आप डेंसिटी का ध्यान रखते हो तो बता सकते हो सबसे तेज किसमें करेगी एयर या वैक्यूम में ट्वेंटी फोर द मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है वो क्या कहलाता है प्लेन कॉन्केव कॉन्वेक्स या सिलेंड्रिकल सो ट्वेंटी फाइव सी इज द करेक्ट आंसर कॉन्वेक्स मिररल द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड जिसकी इनवर्ड होती है वो क्या कहलाता है कॉनकेव मिरर लुक लाइक दिस ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब लाइट यहाँ से एंटर कर रही है फिर किसी मीडियम में जा रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है ये चीज़ क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन कहलाता है रिफ्लैक्शन कहलाता है डिस्पर्जन कहलाता है या yeah, स्कैटरिंग कहलाता है सो ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर क्या होगा बी दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन और इस पर आपने एक ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा जो हमारा रिफ्लेक्शन बेस्ड है जो डिस्पर्जन है वो प्रिज्म में आप पढ़ते हो और नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर में पढ़ते हो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कॉनवेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं ठीक है लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है क्वेश्चन नंबर 28 द इमेज फॉर्मड इज इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर ऐसी इमेज जो मिरर के पीछे बनती है ठीक है बिहाइंड द मिरर पीछे जाके बनती है उसे हम क्या बोलते हैं रियल वर्चुअल ब्लू इमेज या पार्शियल इमेज सो ट्वेंटी एट बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इमेज बनती नहीं है हम उसे लाइन को पीछे मिरर के लिए जाके प्लॉट करते हैं दिस इज वर्चुअल आभाषी इमेज होती है ठीक है और इरेक्ट होती है बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है असरशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ कॉनकेव मैक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ ठीक है तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है द इंसिडेंट रे फॉल ऑन अ मिरर अलोंग विद नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ठीक है रीजन भी ये सही है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्वेश्चन नंबर थर्टी में बोल रहा है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया लाइट सभी मीडियम में सेम डायरेक्शन से ट्रेवल नहीं करती बिल्कुल सही बात है उसकी स्पीड चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मीडियम एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है और रीजन बोल रहा है द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ठीक है ये इसके बिल्कुल विपरीत बात बोल दी ठीक है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी तो ये रॉन्ग है और ये सही है तो एक स्टेटमेंट सही होती है दूसरी फर्स्ट ए इज़ टू आर इज फॉल्स तो सी इज़ द करेक्ट आंसर सो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सो so ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपकी अच्छे से रिविजन हुई हो इफ लाइक द वीडियो डोंट फॉगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब